श्री योग वेदांत सेवा समिति व युवा सेवा संघ भिलाई दुर्ग के तत्वावधान में संत श्री आशाराम बापू के सेवकों द्वारा संस्कृति रक्षा यात्रा वैशाली नगर शनि मंदिर से निकाली गई। इस यात्रा ने पूरे वैशाली नगर क्षेत्र का भ्रमण किया और आम जनमानस को संत व संस्कृति का महत्व बताया। श्री योग वेदांत सेवा समिति व युवा सेवा संघ दुर्ग भिलाई के तत्वाधान में संस्कृति रक्षा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में संत श्री के हरिओम साधक परिवार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के बीच संत व संस्कृति का महत्व को बताना बताया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हरिनाम कीर्तन से की गई। यह प्रभात फेरी हर रविवार को अलग अलग जगहों से निकाली जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधक भाई बहन सम्मिलित होते हैं। अभी चातुर्मास चल रहा है, जिसमें रविवार को संत श्री के जीवन पर आधारित श्री आशा रामायण का पाठ व भजन कीर्तन किया जाता है, जिसके जरिए सभी इसका लाभ उठाते हैं। इस यात्रा की जानकारी युवा सेवा संघ के पदाधिकारी ने मीडिया को दी है। यह सुप्रचार प्रभात फेरी संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम के तत्वाधान में निकाली गई थी। इस रैली का सुप्रभात फेरी का उद्देश्य यह था कि भारत जागृति और सनातन संस्कृति की जागृति हेतु गांव गांव शहर शहर में हरि नाम का उच्चारण कराना। सुबह यह प्रभात फेरी संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्यों द्वारा हरि नाम का झंडा लिए गली गली में निकलती है। यह प्रभात फेरी, इस प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों में और बूढ़ों में सभी वर्ग में संत समाज और हिंदुत्व के भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरिओम। श्री योग वेदांत सेवा समिति एवं इनकी सहयोगी वाहिनियों द्वारा अपने आराध्य संत श्री आसाराम जी बापू के आदर्शों पर चलकर धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।